खरगोन थाना क्षेत्र में एक मामले में जहां आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है, वहीं दूसरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। खरगोन कोतवाली क्षेत्र में घटित छेड़छाड़ के मामलों को लेकर थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले ने बताया कि ग्राम बसनेर में घर में अकेली नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय पेश किया गया है। दूसरी घटना बोहरा बाखल क्षेत्र की है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर मामले की जाँच की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। साइकिल रोड पे खड़ी करी और दरवाजे को खटखटाया तो लड़की पढ़ाई कर रही थी, तो उसने दरवाजा खोला तो उसने बोला पानी मेरे को पिला दे गुड़िया, तो उसने पानी पिला दिया। फिर वहां पर दरवाजा लगाया जाए तो दरवाजा खटखटाया तो फिर वो जबरदस्ती दरवाजा खोल के अंदर चले गए और घर में कोई नहीं थे। तो फिर उसने बोला कि क्या क्या लेने आए, तो उसके मुँह पे तके लगा दिया और उसके हाथ पाँव चढ़ रहे थे, तो हाथ उसे फिर भगी बाहर निकली। बाबू सवेरा नहीं कुमारखेड़ा में भी रहता, साइकिल लेके उधर उधर घुमा करता हूँ। देखो बसनेर में एक और एक खरगोन में नाबालिग बच्चियों के साथ में छेड़छाड़ की घटना हुई थी। दोनों में हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और दोनों ही आरोपियों को राउंड अप कर लिया है। बसनेर वाला जो है आरोपी उसको आज हम न्यायालय पेश कर रहे हैं, बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।